पा रहे हैं मुझे? जी जी सर, साबका वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी इल्ज़ाम आयद किए थे कि बानी पीटीआई देर के हर बात इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि वो उनका कहना है कि बानी पीटीआई यही चाहते थे कि ये फैसला इलेक्शन के बाद आए। तो ये जो फैसला आज आया है, तो इस वक्त को आप कैसे देखते हैं? और जैसे आपने कहा अपने जवाब में कि ये 8 फरवरी तक का फैसला है, तो आइनी व कानूनी हैसियत क्या रहेगी इस फैसले की? और पीटीआई ने तो जाहिर सी बात है चैलेंज तो किया है कि चैलेंज करेंगे, उन्होंने दावा किया है। नहीं, वो उसे चैलेंज करना, ये जो फैसला जिस कार्रवाई पर मबनी और वो कार्रवाई किस तरह लक्ष्य हो, उसमें आप अपील नहीं करेंगे, प्लीज ये फैसले के अपील होगी, ये फैसला सेटिस्फाइड होगा। लेकिन उसी देर में 8 मई 8 फरवरी गुजर गया होगा, सारे लोग जो है वो ये कुछ इलेक्शन में भी लग जाएंगे, ये इन्होंने बड़ा ये सोचा समझा वार है, जो कि सिर्फ जज साहब ने नहीं किया, जज साहब भी इसके जिम्मेदार थे, जज साहब के अपने माँ पे इतना बड़ा काम नहीं कर। और मैं आपको एक चीज करूँ, ये जो वकला इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के बिहाफ पे उनके हवाले से जिरा कर रहे हैं प्रोसिक्यूशन विटनेसेस की, आजम खान और दीगर, इन वकला के खिलाफ पंजाब बार काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल, अगर इनमें से कोई खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल का मेंबर है तो खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल, इनको फॉरन एक्शन लेना चाहिए और इनको लाइसेंस में रुख करना चाहिए, ये तो क्रिमिनल एक्टिविटी है। अच्छा सर, सीनियर साफी मोहसन बबर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी आपसे मुखातिब होंगे। जी मोहसन साहब। जी अच्छा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अब सर, इसके आपने कानूनी पहलुओं पर बड़ा तफसील से हमें आगाह किया है, इसके सियासी पहलू क्या हो सकते हैं सर? क्या फायदा नुकसान पीटीआई को या बाकी पार्टियों को, पीपुल्स पार्टी को, नून लीग को पंजाब में हो सकता है? सियासी फायदा तो नंबर 804 को, सियासी फायदा तो सारा कैदी नंबर 804 को होगा, और बाकी सब तो नुकसान है। ये इस फैसले को जिस तरह इन्होंने किया है और इसने सेटिस्फाइड हो जाना, पीपुल्स पार्टी को और नून को नुकसान है कि हमें ये हमारे मंसूब करेंगे, असल में तो नून सारी पॉलिसी चला रही है। वो देखें मरियम नवाज के खिलाफ सनम जावेद जो थी, वो उन्होंने अपने कागजात बिल आखिर वापिस ले लिया, उस बेचारी को 2 दफा 3 दफा अदालत ने रिहा किया, वो गिरफ्तार कर लिया, 6 दफा उसको रिहा किया और वो गिरफ्तार कर लिया। अब ये मरियम की पॉलिसी चल रही है, नवाज शरीफ की पॉलिसी, ये जो असनाथ है, जज साहब असनाथ, इन पे चल रही है, उसके मुताबिक चल रहा है कि ये जो इन्होंने कही थी ना प्लेइंग फील्ड, लेवल प्लेइंग फील्ड, आपको याद होगा 1.5 साल पहले मरियम ये